बिलासपुर शहर में अब यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों की खैर नहीं है। यहां ऐसे चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने दो पहिया वाहन को बिना हेलमेट के दौड़ाने वालों सहित बुलेट बाइक को नॉइस पोल्यूशन करने वालों के चालान शुरू कर दिए हैं। यातायात पुलिस प्रभारी भगत राम ने बिलासपुर बस अड्डा के पास नाका लगाकर यातायात नियमों को तोड़ने वालों के चालान किए। उन्होंने अपनी टीम के साथ बस अड्डा चौक से गुजरने वाले स्थानीय व भारी वाहनों को चेक किया और जिन चालकों के पास गाड़ी के कागज नहीं थे उनके चालान किए गए। साथ ही लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान बिना कागजात व नंबर के घूम रही एक बुलेट बाइक को इम्पाउंड भी किया गया। इस बारे में बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस प्रभारी भगत राम ने बताया कि वे लगातार लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग नियमों को तोड़कर वाहन दौड़ाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते अब उनके चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के ऊपर जागरूक करना है, और उसके बाद अगर कोई नहीं मानता है तो उनके चालान काट रहा हूँ। जैसे ये मोटरसाइकिल खड़ा है, ये बिना कागजों के, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये कोर्ट से रिलीज होगा। और जो वायलेशन, जो पटाखा लाइट का पटाखा, जो नॉइज़ पॉल्यूशन पे चल रहे हैं, उनको समझा समझा के जो है बंद किया जा रहा है, और उनके जो है चालान काटे जा रहे हैं। अभी तक मैं कम से कम 8-10 चालान इस लाइक एज पटाखा मोटरसाइकिल के काट चुका हूँ, और आज भी इसी अभियान पर चला हूँ शहर में, ताकि शहर में शांति व्यवस्था रहे और लोगों को किसी तरह का नॉइज पॉल्यूशन ना हो। ये मेरे प्राथमिकता है।